किला देखने जा रहे हैं ना प्रतापगढ़, ये फोर्ट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है यहाँ से, ये सामने आपको केव नजर आती है। बाद में ऑन द वे जाते जाते हमको बीच जगह देखते जाना है, आपके टाइम पे एक डेढ़ घंटे में पूरा हम लोग किला देख के नीचे उतरते हैं। ये फोर्ट की हिस्ट्री 350 साल पुराना फोर्ट है और ये फोर्ट आज भी खास बात मतलब शिवाजी महाराज की जनरेशन चालू है, तीसरी पीढ़ी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मतलब जैसा कि आप लोगों ने महाबलेश्वर में एंट्री की, आपको पर्सनली घूमना है तो पहले आपको एंट्री फी टैक्स पे करना पड़ता है ना, जैसे ये किला घूमने के लिए आप एंट्री फी टैक्स वगैरह नहीं है। शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी राजे शाहजी राजे भोसले, उनकी 13वीं जनरेशन सतारा में रहते, उनका नाम है उदयन राजे भोसले, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का ये फोर्ट है। वैसे शिवाजी महाराज के टोटल ऑल महाराष्ट्र में कितने फोर्ट है, 360 फोर्ट में से सबसे मेन किला रायगढ़, आपने नाम सुना होगा रायगढ़ के लिए यहाँ से 65 किलोमीटर पे है। और इस किले की खासियत है प्रतापगढ़ की, शिवाजी महाराज ने कुल मिला के 111 किले बनवाए, उसमें से पहला किला बनवाया ये प्रतापगढ़। आजू बाजू के गांव के लोगों ने इस पहाड़ी को एक उस जमाने में नाम रखा था, इसको क्या बोलते थे, ढोर पे का पहाड़। मतलब आज भी हम लोग मराठी में या गुजराती में गाय भैंस को लोग क्या बोलते हैं, ढोर बोलते हैं ना, तो आजू बाजू के गांव के लोग इस पहाड़ी पे लेके आते थे गाय भैंस को, उस जमाने के लोगों ने इसका नाम ही रख दिया ढोर पे का पहाड़। ये पूरा इलाका शिवाजी महाराज को मुगल के पास से फाइट करके जीतना पड़ा, क्योंकि शिवाजी महाराज के ख्वाब में भवानी माता के बोली कि जावली वैली में, महाबलेश्वर के नीचे जावली वैली में ढोर पे का पहाड़ है, वहां पे मेरी स्थापना कर। तो ये इलाका शिवाजी महाराज ने मोरे के पास से फाइट करके जीता, क्योंकि चंद्रराव मोरे मराठा आदमी होके भी मुगल के साथ काम करता था, यानी उसको इस प्रॉपर्टी का घमंड था। तो पूरा इलाका जीतने के बाद इस पहाड़ी के ऊपर फोर्ट का काम स्टार्ट किया, फोर्ट बनाने का काम किया 1656 में स्टार्ट किया, और फोर्ट को पूरा कब किया 1658 में, सिर्फ 2 साल में। ये किले की दीवार नजर आ रही है ना, ये टोटल 5 किलोमीटर की है, ये 5 किलोमीटर की दीवार के अंदर का एरिया 52 एकर का है, सी लेवल इसकी हाइट है 3500 फीट, जो कि मेन आर्किटेक्चर हिरोजी इंदुलकर और मोरोपंत पिंगले ये दोनों ने 2 साल में बनवा के ले लिया। इस किले के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल क्या किया, 350 साल पहले सीमेंट नहीं था तो उस जमाने में इस्तेमाल किया चूना, लीड, सीसा, रेत और खाने का मीठा गुड़, जगरी, चारों चीज का इस्तेमाल करके किला बनवाया। जब ये पूरा अफजल खान इस किले के नीचे शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का बीड़ा उठा के आया, दोस्ती का बहाना करके शिवाजी महाराज को मारना उसका इरादा था, ये अफजल खान 12,000 लोग लेके आया, इतनी फौज लेके आने वाला आदमी कभी दोस्ती करने के लिए नहीं आता है। ये अफजल खान की हाइट कितनी थी, 7.5 फीट, शिवाजी महाराज की हाइट थी 5.25 फीट। ये अफजल खान में इतनी ताकत थी कि जंगली हाथी को वो कंट्रोल में कर सकता था, ये लोकन की परेदी आराम से बैन करता था। शिवाजी महाराज को जब उसने गले मिलने को बुलाया तो दाएं बगल में शिवाजी महाराज को दबोच के शिवाजी महाराज के पीठ पे कटार से अटैक किया, लेकिन शिवाजी महाराज हमले से बचे गए से, उन्होंने लोहे का जैकेट पहना था ना, बख्तर होता उसकी वजह से बचे। शिवाजी महाराज ने टाइगर के नाखून पहने थे ना, बाघनख, उसका इस्तेमाल करके अफजल खान का पेट फाड़ा, तो टेंट के अंदर अफजल खान चिल्लाया, दगा दगा शिवाजी ने मुझे मारा, तो अफजल खान का बॉडीगार्ड सैयद बंडा ने शिवाजी महाराज के ऊपर पीठ पे कटार से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड जीवा महाले उसने सैयद बंडा को मारा, तो मराठी में एक कहावत हो गई, हा जीवा इसलिए बच गया शिवा। अफजल खान को मारा 10 नवंबर 1659 गुरुवार दोपहर 2 बजे। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज को बड़ा विजय मिला, विजय को मराठी में क्या कहा जाता है, प्रताप बोलते हैं ना, तो नाम रख दिया फोर्ट का प्रतापगढ़। और अफजल खान की और शिवाजी महाराज की मीटिंग का जो जगह स्पॉट है किले के ऊपर नहीं, सामने देखिए रेड कलर का मकान दिखता है घूमट वाला, उसी जगह पे अफजल खान और शिवाजी महाराज का मीटिंग का स्पॉट है। दोनों को उधर ही मारा, दोनों को दफना दिया, उनकी टॉम बनवा दी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया 2002 से, वहाँ पे लोग किसी भी लोगों को अलाउड नहीं करते। शिवाजी महाराज नीचे मिलने के लिए गए तो किले पे जाने से, नीचे जाने से पहले इस केव में शिवाजी महाराज ने अपने 40 आदमी छुपा के रखे थे, मेन कमांडर नेताजी पालकर, कि दुश्मन किले पे जाने की कोशिश करेगा तो दुश्मन के साथ फाइट यहाँ पे करनी है, मतलब किले की हिफाजत आज तक करनी है। केव इतनी छोटी नहीं थी, आपको क्या लग रहा है कि छोटी सी केव में 40 लोग कैसे रहेंगे ना, तो ये 350 साल पहले 1 फीट और भी नीचे थी, मतलब आदमी खड़ा रह सकता था। और ये केव देखिए सामने, ये लिफ्टी का छोटा पुल नजर आ रहा है इको के पीछे वाला, उधर तक ये केव थी। 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू शिवाजी महाराज के स्टैचू को ओपनिंग करने के लिए आने वाले थे, गाड़ी का रोड बनाने के वास्ते इसको तोड़ना पड़ा, रास्ता बना दिया, सीढ़ी बनवा दी, तो पैदे का रास्ता मतलब पगडंडी ना, घोड़े वगैरह आते थे। और चारों साइड से अगर देखेंगे ना तो किले का गेट किधर रखा है पता नहीं चलता, ये दो दीवार नजर आ रही है, ये आप लोग को यहाँ पे खड़े वजह से ये गैप नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप वहां से देखेंगे तो दिखने में दोनों दीवार आपको एक ही नजर आएगी ना, मतलब क्या लगने वाला है किले की ज्वाइंट दीवार है, मेन गेट किधर है उधर जाने के बाद पता चलता है। आज भी सुबह 6:30 बजे उस गेट को ओपन करते हैं, रात को 8:30 बजे क्लोज करते हैं, ये पहले के रूल्स आज भी चालू क्यों रखे, इस किले पे 30 फैमिलीज रहती है,
ऊपर 30 मकान है, 150 लोग की बस्ती है। इस किले पे रहने वाले जो लोग है ना, उस जमाने के जो सोल्जर्स थे ना, उन्हीं का जनरेशन चल रहा है। तो माता जी की आरती, नवरात्र उत्सव, गेट बंद करना, ये 350 साल पहले के रूल्स आज भी यहाँ के लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जैसा किला प्रतापगढ़ है, ऊपर दिखे दो ऊंचे पहाड़ दिखते एकदम ऊपर वाला, वो भी एक किला है, उसका नाम है मकरंदगढ़। उस मकरंदगढ़ पे शिवजी का मंदिर, पानी का तालाब और दीपमाला, वहाँ पे जाना है तो आज भी 22 किलोमीटर है ना, जंगल के बीच में से चल के जाना पड़ता है, मतलब गाड़ी का रास्ता नहीं है। वहाँ पे जाने वाले लोग कौन? ट्रेकिंग करने वाले, ट्रेकिंग पॉइंट।